जो किताबों में लिखा है या धर्म तत्व में लिखा है या बाइबल में लिखा है या कुरान में लिखा है या गीता में लिखा है, वचन तो वो भगवान के हैं, भगवान बुद्ध के हैं, लेकिन अब उनमें जान नहीं। अगर उन उस भाव को समझने वाला व्यक्ति नहीं है, किस भाव से वो कही गई है, किस भाव से वो लिखी गई है, अगर वो भाव उसमें नहीं है तो कहा उन्होंने किसी और भाव से था और समझा हमने उसे किसी और भाव से। तो वो भाव भी हमें समझना है कि किस भाव से भगवान बुद्ध ने किस बात को कही। इसलिए हमें इन बातों को बहुत अच्छी तरह से समझना होगा। मैं जब ये पिछले 1.5 महीने पहले छिपरामऊ में एक घटना हुई, भगवान बुद्ध की मूर्ति लगाई गई, खाली जगह थी, कुछ लोगों को विरोध हुआ कि यहां नहीं लगना चाहिए, प्रशासन ने उसे हटा दिया। मैं दूसरे कार्यक्रम में आया था तो मुझे कुछ साथी मिले थे, तो मैंने कहा कि हमें जोश के साथ होश को भी रखना जरूरी है। कानून को हमें कभी अपने हाथ में नहीं लेना चाहिए। उस समय में भी बहुत सारे साथियों से अपील करके गया, जब पिछले महीने यहाँ कार्यक्रम हुआ, कार्यक्रम में यहाँ कुछ घटना घटी, उसको भी मैंने सुना और समझा और समझने की कोशिश की। मैंने जितना समझने की कोशिश की शायद उतना आप लोगों ने भी उसे समझने की कोशिश की। इसी परिप्रेक्ष्य में मैंने कहा आपसे कि भगवान बुद्धा को तो मानते हैं, भगवान बुद्धा की नहीं मानते। भगवान बुद्धा जब जाने लगे तो उनके अनुयायियों ने कहा कि भगवान आप जा रहे हैं, लोग आपको याद करेंगे, आपके दर्शन करना चाहेंगे, किस हालत में आपको पाएंगे, क्या करें हम क्या न करें। उसका संकेत मूर्ति स्थापना को लेकर के भगवान बुद्ध ने कहा क्या करना है मेरी मूर्ति लगा कर। ये जो बहुत वृक्ष है, पीपल का पेड़ है, जिसके नीचे मुझे ज्ञान मिला है, इसी को स्थापित करो और इसी की पूजा अर्चना करो, इसी से सब कुछ हासिल। लगभग 300 सालों तक भगवान बुद्धा की मूर्ति, बुद्ध की मूर्ति नहीं लगी हमारे देश में, क्योंकि भगवान बुद्ध ने नहीं कहा। 300 साल बाद उनके अनुयायियों ने भगवान बुद्धा, बुद्ध की मूर्ति को लगाना उन्होंने शुरू किया। तब से बड़े पैमाने पर भगवान बुद्ध की मूर्तियां हम भारत में भी और भारत के बाहर देखने को मिलती है। जब कोई महापुरुष हमारे बीच से चला जाता है तो उनके बातों को मान लेना, उनकी मूर्ति बना करके पूजा कर लेना थोड़ा आसान हो जाता है, एक सिद्धांत में जाता है। लेकिन अगर कोई जिंदा आदमी कहता है तो जिंदा आदमी तो जब तक वो जिंदा है तब तक वो कहता रहेगा समय के हिसाब से, और जो व्यक्ति जब तक जिंदा रहा उस दिन तक उसने कहा समय को देख कर। और अगर जिंदा आदमी जो कहता है तो आज उसने कहा आज तक की देख करके, अगर कल की परिस्थितियां कोई अलग है तो उसको वो बदल भी सकता है। तो हमें जिंदा आदमी के साथ चलने में थोड़ी दिक्कत होती है, जब व्यक्ति हमारे बीच में नहीं रह जाता है तो उसको हम मूर्ति बना करके पूजा कर लेने में और एक सिद्धांत कर देने में हमें आसानी हो जाती है। भगवान बुद्ध ने जो कहा है उनके विचारों को हमें समझना होगा, गहराई से समझना होगा। और अगर मैं तो अपने साथियों से अक्सर कहता हूँ, आप लोगों से भी कहा होगा, मैं आया होगा इस एरिया में, कि अगर हम भगवान बुद्ध के विचारों को इस देश में फैलाना चाहते हैं तो हमें पहले उसका अध्ययन करना पड़ेगा कि भगवान बुद्ध के विचार इस देश में कब फैले और कैसे फैले और दुनिया के दूसरे देशों में कैसे फैले। भगवान बुद्ध जब थे, भगवान बुद्ध जहां जहां जा पाए वहां वहां भगवान बुद्ध की विचारधारा फैली।
बड़े पैमाने पर भगवान बुद्ध के रहते